हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर बर्स्ट। दोस्तों, आज रिव्यू कर रहे हैं द बाइक व्हिच हैज रिप्लेस सीबी शाइन एंड नाउ इज द न्यू ट्रिम ऑफ होंडा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं होंडा एसपी 125। सो क्या क्या फीचर्स प्रोवाइडेड है सभी के बारे में जानेंगे। आप जो है इस वीडियो के लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। एंड अगर आपको होंडा का कोई भी बाइक देखना है स्पेसिफिकली इन अंबाला कैंट, आप ऑटो वर्ल्ड अंबाला कैंट विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो शुड यू कंसीडर दिस वन, लेट्स फाइंड आउट। सो एसपी 125 वेरिएंट्स की बात करूं, दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं, इधर ड्रम और डिस्क। दिस वन इज द डिस्क वेरिएंट। प्राइस की बात करूं, सो ड्रम का प्राइस पड़ता है अराउंड 80,500 एक्स शोरूम एंड डिस्क का पड़ जाता है 84,500। नाउ अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूं, सो अराउंड 10,000 का वेरिएशन आ जाएगा, विच मीन्स 91,000 तक में आपको ड्रम वेरिएंट मिल जाएगा, जबकि 95,000 में आपको डिस्क वेरिएंट मिल जाएगा। नाउ अगर डिज़ाइन की बात करूं, सो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, बट जो एडेड कॉन्टोर्स है, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, एक स्पोर्टीनेस ऐड करता है। यस, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट ब्लैक में वाइजर मिलता है, उसके नीचे यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है। हेडलैम्प की बात करूँ, सो आपको ऑल LED सेटअप मिलता है। यस, ऊपर आपका लो बीम है, जबकि नीचे आपको हाई बीम प्रोवाइडेड है। एंड यहाँ पर आपको इफ़ यू कैन सी LED की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इंडिकेटर्स आपको हैलोजन मिलते हैं एंड जो केसिंग है वो ट्रांसपेरेंट प्रोवाइडेड है। एंड जो नियॉन का पैटर्न इसमें एडेड है विद सम काइंड ऑफ पैटर्न इनसाइड इट, सो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके नीचे यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, प्लास्टिक का आपको मडगार्ड मिलता है। नाउ टायर की बात करूँ, सो यहाँ पर आपको 18 इंच का 5 स्पोक व्हील मिलता है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स है एंड 240mm का आपको डिस्क साइज मिल जाता है। वाइब्रे विच इज़ बाय ब्रेम्बो के आपको ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, साइड में रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइडेड है। नाउ इंजन की बात करूँ, सो यहाँ पर आपको 124cc का BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। ये प्रोड्यूस करता है 10.72 BHP ऑफ पावर वाइल 10.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो पावर फिगर्स काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। माइलेज की बात करूँ, सो आपको 58-60 का माइलेज ईजिली मिल जाएगा। BS6 है, सो कैटकॉन भी प्रोवाइडेड है एंड बैंड पाइप को फॉलो करें। सो यहाँ पर है आपका एग्जॉस्ट, जिसमें अगेन क्रोम का जो गार्निश है वो प्रोवाइडेड है, विच मीन्स प्रीमियमनेस इस बाइक में भरपूर है। यहाँ पर आपको SP 125 की बैजिंग मिल जाती है, ESP की बैजिंग यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फिनिश प्रोवाइडेड है। नाउ टैंक की बात करूँ, सो आपको 11 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी मिलता है, विच मीन्स ड्राइविंग रेंज ठीक ठाक मिल जाएगा। एंड जो फ्यूल लिड है आपको सिल्वर में प्रोवाइडेड है। नाउ जो साइड फेयरिंग है, आप एक एक्सटेंडेड व्यू ले सकते हैं, दिखने में काफ़ी अग्रेसिव लग रहा है। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक मिलता है, जबकि यहाँ पर पियानो ब्लैक इंसर्ट्स प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आपको होंडा की 3D लोगो मिल जाएगा। नाउ कलर्स की बात करूँ, सो आपको 5 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। दिस वन इज द स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर, जबकि यहाँ पर आपको ग्रे मेटालिक कलर प्रोवाइडेड है। टेल सेक्शन की बात करूँ, सो यहाँ पर आपको बल्ब टेल लैम्प मिलता है, अगेन इंडिकेटर हैलोजन है एंड नीचे मडगार्ड भी प्रोवाइडेड है। नाउ सीट की बात करूँ, सो आपको सीट लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाएगी एंड कंफर्टेबल काफ़ी होने वाला है पिलियन एंड राइडर दोनों के ही लिए। आपको 790mm का सीट हाइट मिलता है, जबकि 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइडेड है। एंड जो आपका रियर ब्रेक लीवर है, उसके पीछे ये फॉलो अप है, लाइक रियली स्टर्डी। हैंडल बार की बात करूँ, सो यहाँ पर आपको सिंगल यूनिट हैंडल बार मिलता है एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, आपको फुल LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यस, यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, सेंटर में आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आपको टाइम शो होगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर, एंड यहाँ से आप दूसरे मोड्स में चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर टोटल किलोमीटर ड्रिवन शो हो रहा है। उसके बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, दिस इज द एवरेज रेंज एंड दैट्स इट्स। एंड ऊपर आपको टिटल लाइट्स मिल जाएंगे विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, एंड यहाँ पर आपको इको इंडिकेटर भी प्रोवाइडेड है। नाउ इस सेक्शन की बात करूँ, सो यहाँ पर आपको हाई बीम एंड लो बीम इंडिकेटर मिल जाएगा, उसके नीचे यहाँ पर आपको टर्न इन इंडिकेटर का फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपका हॉर्न है, सो हॉर्न इज़ प्रीटी लाउड। एंड यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच विथ इंजन स्टार्टिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम मिल जाएगा। यस, मिरर्स का लुक ले सकते हैं, काफ़ी एजी है एंड दिखने में काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। नाउ लेफ्ट सेक्शन की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो यहाँ पर आपको सारी गार्ड प्रोवाइडेड है, जो कि कंपनी फिटेड आता है, एंड इसमें भी ये प्लास्टिक की मोल्डिंग प्रोवाइडेड है, जो कि सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा है एंड दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको पीछे
टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है एंड इसमें ये रेड कलर का इंसर्ट गिवन है जो कॉइल्स है, यहाँ से आप सीट को ओपन कर सकते हैं। नाउ गियर बॉक्स की बात करूँ सो आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलता है एंड यहाँ पर गियर पैटर्न भी प्रोवाइडेड है और यू कैन से स्कल्प्टेड है। जो इंजन केसिंग है उसमें आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा। वन थिंग, जो आपका इंजन कट ऑफ सेंसर है वो यहाँ पर गिवन है। आपको रबराइज फुट पैग्स मिलते हैं एंड जो चेन कवर है आपको फाइबर का मिल जाता है। सम टेक्निकल स्पेक्स, आपको 1.3 अप्रॉक्सीमेटली मीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 117 kg का आपको कर्व वेट मिलता है एंड जो चैसी है वो आपको डायमंड चैसी मिलती है। क्विकली एग्जॉस्ट नोट भी चेक कर लेते हैं। सो व्हाट अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट? फर्स्ट, डिजाइन बहुत अपीलिंग है, इंजन परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलने वाला है, माइलेज आपको 58-60 का इजीली मिल जाएगा, विच मीन्स बचत बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट, जो एज इट्स अ होंडा सो सेल सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ 117 kg का कर्व वेट है, विच मीन्स जो हैंडलिंग है, जो ड्राइवेबिलिटी है बहुत ही सुपर्ब होने वाली है। ऑल्सो जो फीचर्स प्रोवाइडेड है इस रेंज में, लाइक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑल LED हेडलैम्प, इंजन कट ऑफ सेंसर। सो इफ दिस बाइक इज इन योर लिस्ट देन आई मस्ट से यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस वन। सो दैट वॉज ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।